Good morning, students. So today we are going to discuss another topic under composition, right? So here we are going to discuss about the paragraph writing. Okay, so जब हम बात करते हैं paragraph की, so paragraph को हम describe कर सकते हैं एक well organized ideas का group, right? जो कि हमारे particular subject से, theme से या central idea से related होता है. Okay, so it means कि जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइज कंप्लीट सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करते हैं, हमारे आइडियाज़ को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, इन अ शॉर्ट फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ, राइट. तो एक पैराग्राफ जो होता है, इट कैन बी एन इंडिपेंडेंट कंपोजिशन, एक छोटा सा शॉर्ट कंपोजिशन हो सकता है, और किसी लेंदी कंपोजिशन सच एज एन एसे, स्टोरी, राइट, और कोई भी प्रोज या पोएट्री के वर्क का पार्ट भी हो सकता है. तो लेंदी कंपोजिशन जो होता है उसे हम पैराग्राफ में सब डिवाइडेड करते हैं, सो दैट हमारे जो लॉन्ग राइटअप्स हैं उनको इजीली कॉम्प्रिहेंडेबल बनाया जा सके. ओके, सो एक्चुअली हमारी जो पैराग्राफ राइटिंग है उसकी लेंथ को लेकर के कोई भी रूल्स जो है वो सेटअप नहीं किए गए हैं. ओके, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि पैराग्राफ जो है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ शॉर्ट कंपोजिशन. ओके, तो लेट्स सी कि हमारे बुक में हमने कौन कौन से पैराग्राफ जो है वो डिस्कस किए हैं. सो फर्स्ट वन इज़ मैनर्स मेक अ मैन, राइट. मैनर ही वो थिंग है जो किसी पर्सन को क्या है, कैपेबल बनाती है, राइट. सो लेट्स सी कि एक्चुअली इसमें आइडियाज़ को उन्होंने किस तरह से कंबाइन किया है. इट इज़ द बिहेवियर इन द सोसाइटी दैट कैन टेल अबाउट द आउटलुक एंड ऑल्सो द मेंटल मेकअप ऑफ द मैन. इफ हिज बिहेवियर विद अदर्स ऑब्जर्व अ डिक्रम सोसाइटी, द पर्सन विल श्योरली बी अ गुड नेचर्ड एंड लॉन्ग लार्ज हार्टेड hearted because he respects the feeling of others. The only way to judge a human being is to see the see his behavior in society. It is a keen manner that can help us know whether a man can influence others or not. On the other hand, bad manners can lead to fight, differences, and so to the forming of low opinion about a person, right? So actually इसमें जो भी हमारे ideas हैं वो किस किस से related है, हमारा topic है जो manners से, right? So किसी की behavior जो होता है वो उसका outlook होता है, ये mental makeup होता है, और कैसे हम किसी के साथ में behave कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी society में हमारे place को secure करता है. सो ऑब्वियसली अगर एक अच्छा पर्सन है, गुड नेचर्ड पर्सन है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो वो एक लार्ज हार्टेड पर्सन होगा जो दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है. ओके, सो बिहेवियर आपका जो होता है, आपके मैनर्स से आपका बिहेवियर बनता है, और इसी से आपका अच्छा या बुरा होना ये डिसाइड होता है इन द सोसाइटी, एंड ऑल्सो इसी से आपका जो है, आप एक पीसफुल पर्सन है और एक क्वेरलसम पर्सन है, वो भी पता चलता है, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, एंड द अदर इज़ द सहरा, देन अ रेनी डे, राइट. यूज ऑफ बुक्स, यूजेस ऑफ बुक्स, अ विजिट टू अ विलेज फेयर, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एंड इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, राइट. सो हियर वी हैव 9 शॉर्ट पैराग्राफ्स, राइट. तो पैराग्राफ राइटिंग जो है वहाँ पर हमने 9 पैराग्राफ रीड करने हैं. सो यू पीपल, व्हाट यू पीपल टू डू, एक्चुअली आपको इन्हें सारे के सारे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन्हें एक बार रीड करेंगे, एंड वट एवर इज सेट टू यू, तो आपको जो भी कहा जाएगा ओनली दैट मच, ओके, जितने पैराग्राफ आपसे बोले जाएंगे वही आपको लर्न करने हैं. ओके, एंड आफ्टर दिस पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि ये शॉर्ट कंपोजिशन था, नेक्स्ट टॉपिक है एसे राइटिंग. सो एसे राइटिंग क्या होता है, ये भी हमारी टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ को
जो है आइडियाज़ का कलेक्शन होता है, राइट। सो इसमें और पैराग्राफ राइटिंग जो होती है उसमें डिफरेंस ओनली दैट मच कि इनका लेंथ, जब अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो कम होगा और ऐसे जो होता है वो लेंथी होता है, ठीक है। तो हमारे थॉट्स को, हमारी इमेजिनेशन को, हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, वो हम यहाँ पर राइट करते हैं ऐसे राइटिंग में। सो द टॉपिक ऑफ द ऐसे राइटिंग दैट इज देयर इन आर बुक आर ग्लोबल वार्मिंग, द एम ऑफ माई लाइफ, एंड इंसिडेंट इनसाइड द बस, एंड टीचर्स डे, एंड द एंड अ विजिट टू अ फेयर। ओके, सो हियर ऑल्सो वी हैव फाइव एसेज, आउट ऑफ दोज ओनली फ्यू ऑफ दैम आपको राइट करनी है एंड लर्न करना है। ओके, सो वॉट आर द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न फॉर योर एग्जामिनेशन, आई टेल यू आफ्टर दिस वीडियो, राइट। सो इस वीडियो के बाद आई गिव यू इन रिटन हाउ मैनी ऑफ द टॉपिक्स यू आर टू राइट एंड लर्न एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।